आज हम बात करेंगे चैती छठ की। भारत में सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। मूल रूप से सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व साल में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार चैती छठ कब है। वैसे तो इस बार मुख्य पर्व 27 मार्च दिन सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन ये व्रत 25 मार्च दिन शनिवार को ही नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। चार दिवसीय छठ महापर्व का पहला दिन यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद छठ व्रती गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फिर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। भोजन में इस दिन शुद्ध घी और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। 26 मार्च लोहंडा और खरना। महापर्व के दूसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गुड़ में बनी खीर और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 27 मार्च संध्या अर्घ। तीसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। ये ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है। इसके अलावा चावल के आटा के लड्डू भी बनाए जाते हैं। साथ ही चढ़ावे के लिए कई प्रकार के फल भी रखे जाते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ देते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है और फिर छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कई घंटों तक मेले जैसा दृश्य बन जाता है। 28 मार्च प्रातःकालीन अर्घ। अगले दिन यानी सप्तमी की सुबह फिर सभी छठ व्रती तालाब नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। सभी व्रती उगते सूर्य को जल और दूध का अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद व्रती जल और प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरह चार दिनों तक चलने वाला ये महान पर्व संपन्न होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल करने के लिए व्रत रखते हैं। तो आप भी विधि विधान से छठ व्रत कीजिए और भगवान सूर्य के साथ साथ छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। छठी मैया की जय।